अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर मैं आपको मज़ेदार रेसिपीज सिखाती हूँ हमेशा की तरह। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सबके मन पसंद चाउमीन, बट ये तो उसे डिफरेंट स्टाइल में है, स्पाइसी चाउमीन है और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे। इसकी एक सीक्रेट सॉस है जिसको मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ ये कि इसमें बहुत ही सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच करेगा, मेरी वीडियो स्किप नहीं करेगा। तो चले हम चलते हैं ज़बरदस्त से चाउमीन बनाते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, उसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। तो अब हम रेडी करते हैं चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए मैंने एक एग लिया, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड की, 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना। साथ ही साथ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून वाइट पेपर मैंने ऐड कर दी। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड करके हम उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और उसके अंदर हम अपना कट किया हुआ चिकन ऐड करके उसको मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम रेडी करते हैं अपनी सॉस, जो कि बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस ले ली है। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड की। साथ ही साथ वहाँ इसमें मैं 4 टेबलस्पून वर्स्टरशायर सॉस, 4 टेबलस्पून ओयस्टर सॉस, 4 टेबलस्पून हॉट सॉस मैंने ऐड की, और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस की ऐड की है। आप चाहें तो नॉर्मल वाली सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर की ऐड की। मैंने इसमें किसी किस्म के एडिशनल सॉल्ट नहीं ऐड किया क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। और ये देखिए, हमारा चिकन भी मैरिनेट हुआ हुआ है, सॉस भी रेडी, वेजिटेबल्स भी कटी हुई हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में किसी भी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने चिकन ऐड किया और इसको मैं हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैंने कुक कर लिया। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन सा हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। बेकिंग सोडा ऐड करने का मकसद ये था कि उससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप लोग ट्राई करेंगे और ज़रूर आप लोग ये नोट करेंगे कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उसी पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप करके रखा हुआ था, और 2 टेबलस्पून मैंने श्रेडेड जिंजर यानी कि अदरक रखी थी। ये हमारा बहुत ही बेसिक और स्टार इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। उसको हमने हल्का सा सॉटे किया, उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो डाल के मैंने इसको हाई फ्लेम पे सॉटे किया, और ये जो हमारी सॉस थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी। चाउमीन में या जो भी चाइनीज़ बनाए उसमें एक बात याद रखें कि वेजिटेबल्स जो हैं हमेशा हाई फ्लेम पे बनाते हैं ताकि वो क्रंची भी रहें। मैंने पास्ता वाटर इसमें 1/2 कप ऐड किया है, जिस बोल में हमने सॉसेस बनाई थी उसी में ऐड किया, ताकि जो हमारी सॉसेस रह गई थी बोल में वो भी सब हमारी आ जाएं, फ्लेवर हमारा कोई मिस ना हो। उसके बाद इसको मिक्स करके फिर मैं जो हमारा चिकन था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें अपना फिर पास्ता ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पास्ता रेडी हो गया, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी है। आप लोग ख़ुद भी ट्राई करेगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें। मैं तो चलती हूँ अपनी इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ, अपनी मैं तो चलती हूँ अपने इस चाउमीन को खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ।
आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।